नमस्कार, मेरा नाम है पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले कई नेताओं का पारा हाई है। परिणाम में कुछ ही दिन बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े मुश्किल में फंस गए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने विरार में पैसे बांटे। इसके बाद विरार ईस्ट के विवंत होटल में बहुजन विकास अघाड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यहां तक कि बहुजन विकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विरार होटल का जो वीडियो सामने आया है, उसमें सिटिंग विधायक और उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर और उनके साथियों द्वारा शिवसेना गुट के नेता को पीटा गया है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते हुए नजर भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षितिज ठाकुर और उनके साथियों ने जिस शख्स की पिटाई की, उसका नाम सुदेश चौधरी है और वो एकनाथ शिंदे गुट का नेता है। विनोद तावड़े के साथ वो भी बैठक में मौजूद थे। दरअसल सुदेश चौधरी पहले बहुजन विकास अघाड़ी में ठाकुर कंपनी में थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने शिंदे गुट शिवसेना ज्वाइन की है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि क्षितिज ठाकुर खुद चौधरी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल होटल में बहुजन विकास अघाड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई, जिसमें बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। इसके बाद बहुजन विकास अघाड़ी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक और कुछ पदाधिकारियों के साथ मतदाताओं को बांटने के लिए 5 करोड़ रुपए लाए थे। हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने विवंत होटल पर छापा मारा, जहाँ विनोद तावड़े ठहरे हुए थे। इसके बाद विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दावा किया जा रहा है कि होटल में उन्हें कुछ पैसे भी मिले। इसी दौरान यहां दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बहस हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। विवाद के बाद विनोद तावड़े कमरे से बाहर चले गए, जिसके बाद वहां एक बैग में कुछ डायरियां मिली। होटल रूम में जो डायरियां मिली, उसमें से कुछ में पैसों की एंट्री भी है। ठाकुर ने दावा किया कि होटल में करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बांटे गए। वहीं अब दूसरी ओर से तावड़े ने होटल में पैसे ले जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए मैं वहां गया था, ताकि उन्हें वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में समझा सकूं। इस बीच वहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा करने लगे। जहां तक पैसे बांटने का आरोप है कि चुनाव आयोग को इसकी जाँच करनी चाहिए। होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, सभी की जाँच करनी चाहिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।